आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 के अंता में कृषि उपज मंडी ग्राउंड में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, भारत की आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है। राजस्थान को विकसित बनाए भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा है, लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण नाम के देश के तीन दुश्मन हमारे बीच है, तब तक इस संकल्प के पूरा होना बहुत मुश्किल है। और कांग्रेस इन तीन बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। आजकल राजस्थान की लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है। इस साल लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है। सुसेन गोड़ावड़ अभ्यारण्य में क्या हुआ, ये आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। अवैध खनन के तार किससे जुड़े हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि कांग्रेस के विधायक ने यहाँ के मंत्री के लिए कहा है, भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। कांग्रेस में मंत्री हो, विधायक हो, सब बेलगाम है और जनता त्रस्त है। मोदी ने कहा, बारम झालावाड़ क्षेत्र ने भाजपा को राजस्थान के लिए दो दो सीएम दिए हैं। इस साल हम भैरव सिंह शेखावत जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। मैं उनकी कर्मस्थली पर भैरव सिंह जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़